आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को ज्यादा ही होशियार समझ रहे थे, लेकिन जिस तरह उनको और उनकी पार्टी को कानूनी मोर्चे से लेकर सियासत के मोर्चे पर झटके लग रहे हैं, उससे उनकी होशियारी रफू चक्कर हो गई है। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम आपको बताते हैं केजरीवाल और उनकी पार्टी को कैसे झटके पर झटके लग रहे हैं और क्या इससे उबर पाएंगे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। क्या इनके पास कोई प्लान बी है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। अब उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने जायज ठहरा दिया है, तब उनके मुख्यमंत्री रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और इतना स्पष्ट निर्णय आने के बाद अगर थोड़ी सी भी नैतिकता इनमें होती अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी में, तो दिल्ली की जनता से माफी मांगते और तुरंत इस्तीफा देते। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनका अधिकार है जाना, लेकिन जिस तरह से कल माननीय हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई मॉरल ग्राउंड इनके पास रहती है ये दिल्ली की जनता को फेस कर सके। कल हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है, उन्होंने सारे साक्ष्यों का जिक्र किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अप्रूवर हैं उनका बयान भी कोर्ट के सामने हुआ है और उन पे उंगली उठाना कोर्ट पे उंगली उठाना है। लेकिन महंगे महंगे वकीलों पे करोड़ों रुपये खर्च करके अरविंद केजरीवाल एक माहौल तो बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बता सकते। सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल, आपने शराब घोटाले में चोरी की है, भ्रष्टाचार किया और आम आदमी पार्टी इसमें पूरी तरह से दोषी है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ और आक्रामक हो गई है। शराब घोटाले में 21 मार्च को हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सही ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ बुधवार को केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन यहां भी उन्हें फौरी राहत नहीं मिली। केजरीवाल की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। उन्होंने कोर्ट से कहा, ये याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में है और अर्जेंट है। गिरफ्तारी का आधार ऐसे दस्तावेज थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने टके सा जवाब दिया। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमें ईमेल कर दीजिए, फिर हम देखेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोर्ट नहीं पिघला। हालांकि आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी इस मामले की सुनवाई होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया अरविंद केजरीवाल दोषी है, ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट ने मान लिया अरविंद केजरीवाल दोषी है, ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट मान ही नहीं सकता, ना सुप्रीम कोर्ट मान सकता, क्योंकि ये ट्रायल के बाद ही तय होगा कि अरविंद केजरीवाल दोषी है नहीं है। आज की तारीख में हाई कोर्ट ये नहीं कह सकता कि वो दोषी हैं। हाई कोर्ट ने सिर्फ वो बातें कही हैं, लगभग इसी तरीके से अप्रूवर के विषय में इसी हाई कोर्ट की स्वर्णकांता शर्मा जी की बेंच ने अप्रूवर के विषय में जो संजय सिंह जी के मामले में बात कही थी, वही आज अरविंद केजरीवाल के मामले में कही है। मगर अब जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर नई राह देगा। जब हम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जल्दी राहत की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को जायज ठहराते हुए जो कुछ भी कहा है, वो केजरीवाल ही नहीं आम आदमी पार्टी की भी चिंता बढ़ाने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का पॉइंट नंबर 65 और 66 देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि तथ्यों की जांच के बाद पाया गया है कि आम आदमी पार्टी, जो एक से ज्यादा व्यक्तियों का समूह है, उस पर भी ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 70 के मुताबिक इसकी भी जांच जरूरी बनती है। अभी तक सबसे बड़ा आरोप जो शराब घोटाले में केजरीवाल पर लगा है, उसके मुताबिक शराब नीति के एवज में आम आदमी पार्टी ने साउथ की शराब लॉबी से 100 करोड़ रुपए लिए और उसे गोवा में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया। अब तक ये आरोप सियासी तौर पर लग रहे थे।
ईडी लगा रही थी, लेकिन अगर दिल्ली हाई कोर्ट में इन आरोपों को जांच के लायक माना जा रहा है तो ये केजरीवाल ही नहीं पूरी पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। केजरीवाल और उनकी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट ने इतना तगड़ा झटका दिया है कि अब केजरीवाल एंड कंपनी की बोलती बंद होती दिख रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल और उनकी पार्टी की एक एक करके सभी दलीलें खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, शराब नीति केस के गवाह राघव मुंगटा और शरद रेड्डी के बयान पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं। ईडी ने खुलासा किया है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इस मामले में शामिल थे। गिरफ्तारी की टाइमिंग पर कोर्ट ने कहा, हम मानते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, न कि चुनाव की टाइमिंग को देकर। ये नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया है। केजरीवाल के वकीलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा उठाया तो कोर्ट ने कहा, ये हम नहीं देखेंगे कि किसने किसको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और किसने किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, न कि राजनीति से। कोर्ट राजनीति की दुनिया में दखल नहीं दे सकता। कानूनी मोर्चे पर केजरीवाल बुरी तरह उलझ गए हैं। वहीं उन्हें दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना का खौफ भी सता रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद LG ने दिल्ली सरकार के फैसलों को लेकर 3 बार मीटिंग बुलाई, जिसमें दिल्ली का कोई मंत्री नहीं पहुंचा। अब LG ने इसकी शिकायत गृह मंत्रालय से कर दी है। कानूनी मोर्चे पर पिछड़ने के अलावा केजरीवाल एंड पार्टी चौतरफा मुसीबतों से घिरती जा रही है। बीजेपी उनके खिलाफ दिल्ली में रोष प्रदर्शन कर रही है, उनका इस्तीफा मांग रही है। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता के जरिए जेल से बयान जारी करवा रहे थे, अब कई दिनों से वो भी बंद है। केजरीवाल को अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को कब सुनता है ये अभी तय नहीं है। चुनाव सिर पर है, केजरीवाल की पार्टी कानूनी पचड़े में इतनी उलझ गई है कि चुनाव पर भी ध्यान नहीं दे पा रही है। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद पार्टी सियासी मोर्चे पर आगे बढ़ने की उम्मीद लगा रही थी, लेकिन अब उनकी भी पहली जरूरत पार्टी और केजरीवाल को बचाने की बन गई है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस मुसीबत से कैसे निकलते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।